हाय फ्रेंड्स, यूबीपी स्मार्ट गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन एपीएस पोर्टल के बारे में, जो पिछले 10 साल से चल रहा है। पूरा पैन इंडिया में नहीं चल रहा था, लेकिन 10 साल से चल रहा है दिल्ली, एनसीआर, नोएडा और बंगलोर एरिया में। अब ये अपना बिजनेस को पूरा इंडिया में इंक्रीज कर चुका है, फैला चुका है। और इसका खास बात ये भी है कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये अपने एम्प्लाई को भी बहाल कर रखा है। हर जगह इनका एम्प्लाई भी है हर डिस्ट्रिक्ट में, और इनको वॉलेट का अप्रूवल आरबीआई के द्वारा 2017 में ही मिल चुका है। तो इस कंपनी के बारे में जानते हैं डिटेल में और इंट्रोडक्शन पूरा कराते हैं इस वेबसाइट से आपका। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे ताकि आपको सही सही जानकारी मिल सके और कंप्लीट जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, इसमें है कि सबसे ज्यादा कमीशन भी आपको मिलता है और सबसे ज्यादा भरोसा भी है इस कंपनी पे। 10 साल से चल रहा है, पिछले 10 साल से। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी का नाम है रैपीपे। तो रैपीपे का देखिए रैपीपे.com खोलेंगे। रैपीपे.com खोलने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या सर्विसेज है। उसके होम पेज इस तरीके का खुलेगा। इंटरफेस बहुत ही बेहतरीन इंटरफेस है इसका। देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस भी दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ है फ्रेंड्स दिया हुआ। अब इसका देखिए सॉल्यूशन पे हम क्लिक करते हैं। रैपीपे, रैपीपे कैश, रैपी इंश्योरेंस, रैपी बुकिंग। अब रैपीपे में आपका क्या है वो देखते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं के लिए वो दिखा है। ट्रांसफर और रिसीव मनी टू एनी फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। तो इससे आप जो है ना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और जमा और निकासी भी कर सकते हैं किसी भी बैंक में। रैपी कैश पे क्लिक करते हैं। देखिए विड्रॉ डिपॉजिट, जैसा कि मैंने बताया माइक्रो एटीएम के थ्रू विड्रॉ डिपॉजिट होता है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से डिपॉजिट होता है और विड्रॉ होता है, और माइक्रो एटीएम के थ्रू भी आप डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं। और लिंक अकाउंट जो है उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं या वैलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑप्शन है। उसके बाद देखिए दिया हुआ इंश्योरेंस, रैपी इंश्योरेंस। रैपी इंश्योरेंस ऑफर कस्टमर्स ए वाइड रेंज ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर परचेज अंडर वन रूफ। आप एक सिंगल जगह से यहां से आप अलग अलग तरह की पॉलिसी को खरीदारी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं। रैपी बुकिंग में क्या है देखिए, ऑफर कस्टमर ए वाइड रेंज ऑफ बुकिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेवल, एंटरटेनमेंट एंड मोर अंडर वन रूफ। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स, आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट का फिल्म वगैरह का टिकट बुकिंग कर सकते हैं, सारा कुछ एक सिंगल जगह पे ये इसमें होता है। अब देखिए अबाउट सेक्शन में क्या दिखा रहा है। देखिए रैपीपे बिल्डिंग द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रैपीपे साथी कंपिटेंट एंड इक्विप्ड विथ टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड रिटेल फाइनेंशियल सर्विस वाया ए वन स्टॉप पेमेंट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म टू इट्स एंड कस्टमर्स इन ए मैनर दैट इज सिंपल एंड सिक्योर। तो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी एडवांस है रैपीपे, और यहाँ आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है काफी सिक्योर होता है, उसी के बारे में बताया गया। अब देखिए इसका जर्नी के बारे में दिखाते हैं। ये जानना किसी भी कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये देखिए अप्रैल 2009 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ है एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में। रैपीपे मोबाइल वॉलेट का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया 2015 में, और उसके बाद देखिए 2017 में, फरवरी 2017 को रैपीपे मोबाइल वॉलेट लाइसेंस रिसीव फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से इसको अप्रूवल मिल गया 2017 में ही मोबाइल वॉलेट का। उसके बाद देखिए आफ्टर अधेरिंग टू ऑल आरबीआई गाइडलाइंस रैपीपे मोबाइल वॉलेट इज लॉन्च्ड। 2018 में ये लॉन्च कर दिया गया आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार, जो भी है 2018 में इसको लॉन्च कर दिया गया, 2017 में इसको अप्रूवल मिल गया था। उसके बाद देखिए दिसंबर 2018 में रैपीपे सर्विसेज
एक्सपेंड टू इंक्लूड एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, मुंबई एंड बंगलोर। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, दिल्ली एनसीआर, मुंबई और बंगलोर में ही अपना बिजनेस पहले से ही कर रहा है। कंपनी रिसीव फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट मार्च 2019, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी इनको मिल रहा है मार्च 2019 से। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स, इक्विटी में मतलब स्टॉक मार्केट में इसका मतलब ये हुआ, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट इनको मिल चुका है। तो ये बड़ा कंपनी है फ्रेंड्स, ट्रस्ट के मामले में भी, और कमीशन इसमें काफी ज्यादा मिल रहा है। सितंबर 2019 में रेपी पे एजेंट्स क्रॉस 15,000। अब देखिए, सितंबर 2019 में 15,000 से ऊपर इसका एजेंट पूरा इंडिया में बहाल हो चुका है। अब इसके टीम के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, योगेंद्र कश्यप जी फाउंडर एंड एजुकेटिव डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। भागवत भास्कर जी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। अंकित लाहोटी जी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। विनीत सक्सेना जी डायरेक्टर हैं। अमित कुलशेत्रा जी डायरेक्टर हैं। दीपक भासवान जी डायरेक्टर हैं। तो जो भी डायरेक्टर है उनका फोटो के साथ भी दिया हुआ, काफी फ्रंट पे ये वर्क कर रहे हैं और सही तरीका से एक एक चीज को दर्शाया गया है वेबसाइट पे। और काफी ज्यादा अंतर है कमीशन में दूसरी कंपनी से, जहां पे अदर कंपनी आपको पेनियर हुआ या जो भी कंपनी है, पेनियर है और अदर बैंक भी, जैसे फिनो पेमेंट्स बैंक का भी मैं बात करूं तो एपीएस के मामले में फिनो पेमेंट्स बैंक से भी करीब करीब 2 गुना कमीशन, 12 रुपया तक कमीशन इसका मैक्सिमम है पर ट्रांजेक्शन एपीएस में। तो फ्रेंड्स, कमीशन ज्यादा देता है और इसमें ट्रस्टेड कंपनी है ये भी, पिछले 10 साल से चल रहा है। आरबीआई से इसको बैलेंस ये वैलेट का अप्रूवल मिला हुआ 2017 में ही। तो काफी भरोसेमंद कंपनी है और कमीशन सबसे ज्यादा दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो जरूर रेपीपे की ओर भी आएंगे, और जिनको भी इसका एजेंट बनना है या डिस्ट्रीब्यूटर बनना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मैं वैसे मेरा नंबर 8340794188, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं या रिटेलर ले सकते हैं। और पूरा वीडियो इसके कमीशन स्ट्रक्चर पे भी मैं आपको बहुत जल्दी चैनल पे बनाकर पब्लिश करूंगा। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए इस वीडियो के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।